चाचा नरू वहां आज भी बच्चे खिलाते हैं। नन्हे मुन्ने बत्ते तेली मुट्ठी में ता है, नन्हे मुन्ने बत्ते तेली मुट्ठी। अच्छा मेरे बाबा पे तुम्हारे कले बांधे कि नहीं पूरे कर, इसलिए वो नरक में गाड़ियां ढोरे। अरे सुन तो क्या है गरीबा, अरे छोड़ ये सब के सब चले। अरे राजकुमारी राजकुमारी तेरा बाप दीवान, तुम उसके बाप हो तो हम कौन है तुझे? महाराज मैं आपकी तरफ से बोल रहा था, एक रात में महल की घोड़ी से मुफलिसों की बस्ती तक पुल बनाएगा, उसी के साथ राजकुमारी की शादी होगी। गधे की बारात एक नाटक देखा हमने, उस नाटक में क्या खास था, उस नाटक का करने का क्या उद्देश्य था, जो हमारे साथ कुछ कलाकार हैं वो बताएंगे आपको कि इसका उद्देश्य क्या था और ये क्या सोशल एक हमारे समाज को क्या मैसेज देता है। सुप्रिया जी बताएं आपका क्या भूमिका थी और क्या एक सोशल समाज को हमारा ये मैसेज देता है। मैं इस नाटक में गधे की बारात में गंगी का कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ। इस नाटक में मैं अपने बेटे यानी गधे को पाल पोस कर बड़ा करती हूँ। जैसे ही वो राजकुमार में तब्दील होता है शादी के बाद, वो हमें भूल जाता है। तो मैं आप सब लोगों से यही निवेदन करूँगी कि जो माँ बाप आपको पाल पोस कर बड़ा करते हैं, जब आप में एक मकाम पर आए, प्लीज़ उन्हें ओल्ड एज मत छोड़िए, उनका ध्यान रखिए, उन्हें उतना ही प्यार दीजिए जितना कि उन्होंने आपको अपने बचपन में दिया। वैसे ही संभालिए जैसे उन माँ बाप ने आपको संभाला, चलना सिखाया। सुप्रिया जी एक कोई एक खास डायलॉग हमारे दर्शक को, एक खास कोई डायलॉग बताइए कोई। बेटा इस महल में आते ही तुझे क्या हो गया, आज तुझे पालने वाले तेरे ये गरीब माँ बाप आज तुझे पराए लगने लगे, एकदम पराए। मैं देख रही हूँ इस महल की हवा में इतना विष है, इतना विष कि जहाँ आकर इंसान तो क्या गधा भी बदल जाता है। आज मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ,
आज मेरी वजह से, मेरे इस बेटे की वजह से आज आपका बहुत अपमान हुआ। इसके लिए मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। ये गधा एक दिन हमें जरूर फंसा देगा। By this place that we have shown a class, right? Upper class and lower class. अब इन दोनों के बीच में एक संबंध बनता है, जो एक गधा बनाता है। तो इसमें हमने ये नाटक को बड़ा अलग तरीके से दिखाया है, जिसमें हमने एक भगवान को श्रापित होकर गधा बन के नीचे धरती पर भेजा। शर्त ये रखी गई कि वो एक राजा की लड़की से जब विवाह करेंगे तो वो श्राप मुक्त हो जाएंगे। हमने जो दर्शाना चाहा है, ये पुराने ज़माने का नाटक है, तो उसमें राजा महाराजा कैसे होते थे उसके बारे में हम लोगों ने बताया कि एक अपर क्लास कभी भी लोअर क्लास के साथ संबंध नहीं बना सकती है। तो यही इसके अंदर साफ सीधे तरीके से हमने दिखाया है। मेन मुद्दा हमारा ये है कि पॉलिटिशियन वक्त पड़े तो गधे को भी बाप बना सकते हैं, और उसके बाद काम निकलने के बाद वो उसको ठोकर मार के भेज भी सकते हैं। हम आज के पॉलिटिशियन के ऊपर इस नाटक को समझते हैं, इसलिए मैंने कोशिश की कि यहाँ के मंत्री दिखाई दे, यहाँ के नेता दिखाई दे, और आम गरीब लोग दिखाई दे, जनता दिखाई दे। मैसेज क्या है हमारे समाज के लिए, क्या मैसेज है? मैसेज ये है कि आप पॉलिटिशियन के बहकावे में बिल्कुल नहीं आना चाहिए। हमें अपना सोच समझ के काम करना चाहिए। बाकी वो हमें उल्लू बनाते रहेंगे, उल्लू नहीं बनना है। अपना सोच समझ के हमें नेताओं को चुनना चाहिए, बस यही हमारा मैसेज है। जो राजनीतिक सलाहकार जो होते हैं वो बात को घुमाने फिराने में बहुत तेज़ होते हैं। आप कहिए कुछ, जबकि आज वर्तमान परिदृश्य में भी आप देखते हैं, कहिए कुछ लेकिन उसका अर्थ निकाल कर कुछ और बना देते हैं, कुछ और बना देते हैंगे। तो ये कहते हैं कि जाल में से बाल निकालने में माहिर रहते हैं, इस तरह का शातिर लोग रहते हैं जिन्हें आप शातिर करेंगे। राजकुमारी एक शर्त रखती है, और जिसमें जो शर्त को पूरी करता है उसे शादी करनी है। मेरा व्यू भी थोड़ा डिफरेंट ही है, बिकॉज गधे से शादी, लेकिन प्ले में यही था कि आपको करना है, क्योंकि जो भी आपकी शर्त को पूरी करेगा वही आपका पति बनेगा। हाँ, तो सुनिए डैड, जो कोई भी एक रात में महल की डियोरी से लेके मुफलिसों की बस्ती तक का पुल बनाएगा, मैं उसी से शादी करूंगी, दैट्स फाइनल। ये जो करेक्टर था हिजड़े का, ये इसको डाला गया है कॉमिक वे में कि लोगों को एंटरटेन करने के लिए। यह तो 5,000 रुपए लोगी, मैं तो बनारसी साड़ी लूंगी। हाँ,